वेलकम बैक टू अमेरिकन ऑडियो साइंसेस लेक्चर नंबर 6 सेकंड ईयर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स लास्ट लेसन के अंदर, तो आज हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ मेथड अभी रहते थे प्रिपरेशन के, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि आखिर एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे होगी बाय मींस ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, गौर करें क्या कह रहे एक्सप्लेनेशन के अंदर। When a concentrated solution of sodium or potassium salts of monocarboxylic acid का sodium या potassium का salt जब electrolyzed होगा, an alkane is produced। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जरूरत यह है कि आखिर electrolytic method या electrolysis होती क्या है। आपको जाहिर हो याद होगा कि एक electrolytic cell होता है जिसके अंदर हमारे पास दो electrodes लगे होते हैं, वन इज एनोड जो कि पॉजिटिव होता है एंड वन इज कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। नेगेटिव आयंस टेंड टू ट्रेवल टूवर्ड्स पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव कैथोड एंड पॉजिटिव आयन टेंड टू ट्रेवल एट नेगेटिव कैथोड। तो इधर भी वही सेम एक फॉर्मूला है कि आखिर यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के जरिए ये एल्केन कैसे बनता है, उसको कहते होते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब देखें ये हमारे पास एक सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये जनरल रिएक्शन है, नीचे उसने वैसे उसका एक प्रॉपर रिएक्शन दिया होगा। ठीक है, इस आर की जगह पर सिंपली तौर पर उसने एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया जिसका नाम दिया उसने CH3, यानी कि हमारे पास अब सोडियम एसीटेट सॉल्ट आ गया, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। जाहिरी बात है जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक्शन करते हैं तो वो जो सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की हमने इसकी। तो सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा एक अल्केन, क्या बनेगा हमारा एक अल्केन, जो नजर आ रहा है यहाँ पर आपको एक इथेन बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस सोडियम सॉल्ट का जो एन ए है वो वाटर के ओ एच आयन के साथ मिलकर बनाएगा एन ए ओ एच, ये देखें, और साथ हाइड्रोजन गैस जो होगी वो एलिमिनेट होगी। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का, और देखिए आपको नजर आ रहा है कि एनोड के ऊपर हमारे पास जमा होगा एन ए ओ एच और कैथोड के ऊपर हमारी जो है वो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आगे कैप्चर होना शुरू हो जाएगी। अब उसी ने इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। When potassium salt of acetic acid is electrolyzed, जब हम potassium salt of acetic acid को electrolyze करेंगे, acetate ion is migrates towards anode, जो acetate ion होगा वो towards anode चला जाएगा, giving up a free electron। जाहिर बात है जब उसके ऊपर negative charge होगा जो anode की तरफ जाएगा तो वहां जाकर अपने electron को release करेगा और वह एक electron free acetate radical बना देगा और साथ साथ एक CH3 मॉलिक्यूल भी निकालेगा और CO2 मॉलिक्यूल भी निकालेगा। कैसे देखिए जरा, अब देखिए यहाँ एग्जांपल अब उसने ले लिया है पोटेशियम सॉल्ट की, ऊपर हमने पढ़ी थी सोडियम सॉल्ट एग्जांपल, कंफ्यूजन नहीं है, ये भी आप ले सकते हैं और आप ये ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने बुक की एग्जाम्पल उठाई है तो यू शुड कंसिडर अ बुक एग्जाम्पल। पोटेशियम सॉल्ट 2CH3 सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव के प्लस, वाटर इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर, पोटेशियम आयंस अलग हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेपरेटेड। अब जब ये जो नेगेटिव आयन है ये जाएगा टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि जारी बात है एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव आयंस जाएंगे माइग्रेट टूवर्ड्स द एनोड। अब एट एनोड में रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले जो ये आयन है एसीटेट आयन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब देखें दो एसीटेट आयंस हैं तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए एंड इट फॉर्म्स अ फ्री रेडिकल। उसके बाद जब ये रेडिकल जो है, अब देखें
अब देखिए ये दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे CO2 के और दो ही मॉलिक्यूल निकलेंगे CH3 के, और जब CH3 के दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इट फॉर्म है अल्केन। ये देखें, इट फॉर्म अ अल्केन, हमारा अल्केन बन गया एनोड के ऊपर। अब दूसरी तरफ कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर देखें जो वाटर जमा हुआ है वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज हुए हैं वो कैथोड अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर को तोड़ देगा OH और H+ आयंस के अंदर, और वही जो OH नेगेटिव आयंस है वो पोटेशियम के साथ, अब देखें पोटेशियम भी तो कैथोड की तरफ आगे अटैच हुआ है, मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये जो पोटेशियम था ये चला गया है टूवर्ड्स कैथोड, और अब वही कैथोड के ऊपर पोटेशियम आयन के साथ OH नेगेटिव आयन रिएक्ट करके बना रहे हैं KOH। क्या बना रहे हैं? KOH। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोव्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसको मार्केट में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब आप लोग अपना नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि प्रेपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कैटोन्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास एल्डिहाइड आते हैं और कीटोन्स आते हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, डेट इज ऑल्सो नोन एज क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शंस, क्लेमेंसन और वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शंस। अब होता क्या है इसके अंदर, ये देखिए ये हमारे पास एक कीटोन है, आपको बताओ कीटोन का जनरल रिएक्शन होता है, जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड अगेन आर, और हम इन दोनों आर की जगह पर कोई भी एक अल्काइल रेडिकल ग्रुप लगा सकते हैं, और वही उसने वहां पर किया हुआ है। देखें जरा CH3 लग गया, इधर भी CH3 लग गया, एंड दैट मेक्स एसीटोन, एसीटोन इज अ कीटोन, गॉट इट। जब ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 4H के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी एंड एसिड HCl, इट फॉर्म्स वाटर एंड अल्केन इज प्रोड्यूस। अब अल्केन कौन सा बनेगा, जाहिर बात है प्रोपेन बनेगा, ठीक है। एक बार मुझे याद रखनी है, द लोएस्ट डिग्री जो आप अल्काइल रेडिकल में लगाओगे एक कीटोन के फॉर्मूले के अंदर, तो वहां पर आपके पास सबसे जो थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट का अल्केन बनेगा डेट फॉर्म्स एन अल्केन, वो प्रोपेन होगा, सबसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट का वो होगा प्रोपेन। अब देखें ये वाला सेकेंड रिएक्शन इन द रेड, दिस वन CH3C डबल बॉन्ड ओ एच प्लस 4 हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट हो गया, इसने अल्केन इथेन बना दिया। अब यहां पर इथेन क्यों बना, क्योंकि देखें एल्डिहाइड के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्काइल रेडिकल की स्पेस खाली होती है, दैट मींस इट कैन मेक अ लो मॉलिक्यूलर वेट अल्केन एज वेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, हाउ अल्केन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या व्हाट इज क्लेमेंसन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा जी, प्रिपरेशन फॉर ग्रिगनर्ड रिएजेंट, क्या हम लोग ग्रिगनर्ड रिएजेंट से किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अपने अल्केन्स को। ग्रिगनर्ड रिएजेंट का जो बेसिक हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज नॉन एज CH3MgBr, बेसिकली होता ये है आर Mg भी रेफर एज अ सेंट्रल एटम एंड हेयर Br। सो आज अगर हम लोग कोई भी अल्काइल रेडिकल गा सकते हैं, और जो कि उसने यहां पर देखें ये CH3CH2MgBr उसने लगा दिया, ठीक है, ये उसने एक अल्काइल रेडिकल लगा दिया CH3CH2 व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो हमारे पास अल्केन लैदा हो जाएगा और जो OH ग्रुप है डेट गोज एंड अटैच विद द Mg। दिस इज हाउ ग्रिगनर्ड रिएजेंट्स आर यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द अल्केन्स, ठीक है।
अब इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन प्रेपरेशन मेथड पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके अंदर ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, प्रेपरेशन फॉर विटामिन रिएजेंट एंड प्रेपरेशन फॉर कार्बन आयल कंपाउंड्स, और एक नॉन क्वेश्चन था कि हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोव इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नोट इट, अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। होप्स आपको वीडियो लाइक पसंद आई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।